हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ मरीजों के लिए जामुन कितना फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ वैसे तो एक इलाज और बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन क्या है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या है कि हम अपने खान पान पर ध्यान रख कर इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, या दिल संबंधी बीमारी को जन्म देती है। लेकिन अगर हम जामुन का नियमित तौर पर इसका सेवन करेंगे तो अपने शुगर लेवल को 30% तक कम कर सकते हैं। जी हाँ, यह खट्टा मीठा जामुन फल किसी औषधि से कम नहीं होता। जी हाँ, जामुन ही नहीं बल्कि इसके फल, जड़, पत्ते और गुठलियाँ भी औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। जामुन खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उससे कहीं ज़्यादा यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। एंटी डायबिटिक गुणों से ये भरपूर है, क्योंकि जामुन कई बीमारियों से निजात दिलाता है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों के संक्रमण से भी दूर रखने में कारगर होता है। क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक जामुन में 20 से 25 ग्राम कैलोरी पाई जाती है। वहीं जामुन का सेवन डायबिटीज़ और एनीमिया से ग्रस्त मरीजों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से कम कर नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसे में आइए जानते हैं यह मौसमी फल डायबिटीज़ मरीजों के लिए कैसे लाभदायक होता है। जामुन में मौजूद पोषक तत्व होते हैं, तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं मौजूद में, आइए हम बताते हैं आपको। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के साथ साथ फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और विटामिन ए, बी, सी से भरपूर होता है। वहीं आपको बता दें कि जामुन में एंथोसायनिन नामक एक फेलोनाइड भी पाया जाता है, जो जामुन को इसका बैंगनी रंग देता है। साथ ही इसमें फेलोनाइट मिल्क्स जैसे ऑक्सीडेंट एसिड, गैलिक्स एसिड की भी मात्रा पाई जाती है। जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से यह डायबिटीज़ की जटिलताओं को कम करने में प्रभावी होता है। एंटी डायबिटिक गुड़ों से भरपूर होने के कारण यह शुगर लेवल को 30% घटा सकता है। यह शुगर को स्टार्च में बदलने से रोकता है, तथा इसका जाबोलिन नामक ग्लूकोज पेशाब के स्तर को कम करने में मदद करता है। तो डायबिटीज़ मरीजों के लिए जामुन खाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इसी सीजन में तो मिलता है और बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। गांव घर में तो हम लोग के यहाँ जामुन आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जामुन खाने के बाद अक्सर हम इसकी गुठलियों को कचरा समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन आज इसके फायदे जानने के बाद आप इसको भी यूज करेंगे। जी हाँ, जामुन की गुठलियों को भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अक्सर डॉक्टर बोलते हैं जामुन की गुठलियों का चूर्ण खाने के लिए, तो आप गुठलियों को भी फेंके मत, इसके गुठलियों को सुखा कर आप पाउडर बना लीजिए, फिर उसके पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आज की जानकारी बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।